हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद ब्रैड। कल है मंथली एक्सपायरी और इंटरेस्टिंग स्टेज पे है मार्केट। कल कुछ हो सकता है तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है अभी। कल हो सकता है एक बड़ा मूव आए, लेकिन वो इतना बड़ा होगा कि नहीं वो कल पता चलेगा, लेकिन मुझे जितना लगता है कि उतना बड़ा नहीं होना चाहिए मूव, और क्योंकि आज ऑलरेडी मूव हो चुका है तो कल एक जस्ट फॉलो थ्रू हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो 46,000 के आसपास, 46,50, 46,100 इस रेंज पे ओपन हो, देन 900 को ब्रेक करे, 46,900 को ब्रेक करे, देन पहला हम लोग का टारगेट हो जाएगा 46,700। ये टारगेट हो जाएगा, अगर इसको भी तोड़ता है देन 46,500 हम लोग का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि आज वो ऑलरेडी मूव हो गया, यहाँ से ऑलमोस्ट आज 800-900 पॉइंट का मूव मिल गया हम लोग को। और आप लोग जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी देखना, मैंने वहाँ पर चार्ट दिया था कि इस ये वाला रेंज है, तो ऊपर के रेंज क्रॉस भी नहीं किया और वहाँ से सेलिंग आया, तो नीचे का जो टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, ये तो था फ्लैट ओपन होने के बाद। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप होने से वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ का लोग तो ट्रैप हो जाएंगे, जो लोग यहाँ पर सेल किए वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो वो लोग सबसे पहले अपना पोजिशन बुक करेंगे, देन थोड़ा ऊपर जाएगा, देन लोग फिर से शॉर्ट करेंगे, देन नीचे आएगा, देन ऊपर नीचे करके शायद मार्केट वॉलेटाइल हो जाए। बहुत बड़ा गैप डाउन खोलेगा, देन बहुत बड़ा गैप डाउन मान लो 700 के नीचे 600 इस तरह खोलेगा, देन यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन बना हुआ है, देन खुलते ही लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग होने से हो सकता है पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, पुल बैक करे, देन शायद एक नीचे की तरफ हम लोग को बाद में सेकेंड हाफ में एक सेलिंग मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है देन हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आगे पुल बैक आए। देन कभी कभी, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी, कभी कभी ये प्रॉफिट बुकिंग जो आता है ना, ये कभी कभी शॉर्ट कवरिंग में बदल जाता है, देन लोग बाइंग भी शुरू कर देते हैं, देन मार्केट ऊपर ही जाना शुरू कर। तो तीनों की सीनारियो देख चुके हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी में भी मतलब आपका अगर कल फ्लैट ओपन होके इसको तोड़ेगा, 900 को तोड़ेगा, 910 900 को तोड़ेगा, देन हम लोग का फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा आपका 840 के आसपास, या फिर हाँ 840 इस तरह का टारगेट मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 760 या 770 ऐसा टाइप का टारगेट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कल मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल। और अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप होने से जैसे बोला कि आपका वो हो जाएगा वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको समझना पड़ेगा ऑप्शंस देखो, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो या फिर लोगों का पोजीशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा तरफ मार्केट मूव कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है देन यहाँ पर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, देन ये लोग फिर से अपना जस्ट लॉस हो या जो भी माइनर प्रॉफिट हो वो बुक करने की कोशिश करेंगे, देन हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, देन यहाँ पर लोग फिर से शॉर्ट करेंगे, देन नीचे आएगा, ऐसा वॉलेटाइल हो सकता है। एंड देन सेकेंड हाफ में शायद एक मूव मिले, क्योंकि सेकेंड हाफ में जहाँ पर भी पोजिशन ज़्यादा बनना होगा उस तरफ अगर तोड़ेगा मार्केट उसके अगेंस्ट में, देन उस तरफ एक स्लाइड हो सकता है या फिर उस तरफ एक ऊपर जा सकता है। मान लो बहुत ज़्यादा बेरिश पोजिशन बना हुआ है मार्केट में और सेकेंड हाफ में सब कुछ स्क्वायर ऑफ करने लगे, देन शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है। और अगर बहुत लोग बुलिश पोजीशन बनाता है सुबह सुबह, देन हो सकता है कि आपका तब एक बेरिश पोजीशन हो, मतलब बेरिश मूव हो मार्केट में, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि मंथली एक्सपायरी बहुत सारे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होते हैं, नए पोजीशंस बनते हैं, बहुत कुछ होते हैं, रोल ओवर होते हैं, तो इसलिए मूव होता है मार्केट में एक साइड, कभी कभी एक तरफा मूव हो जाता है वो, तो इसलिए आपको कल थोड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली मैं स्टॉक्स नहीं देने वाला था, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स लाया हूँ और हर स्टॉक्स आज सेलिंग के लिए है, कोई भी स्टॉक बाइंग के लिए नहीं है, जो पाँचों का पाँच स्टॉक्स सेलिंग के लिए। सबसे पहला है ओएनजीसी। ओएनजीसी में आपको फ्लैट ओपन होना है, 266 के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपन होकर 264 को तोड़े, देन आपका 1 से 1.5 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, देन 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है एससीएल टेक। एससीएल टेक में आपको देखना है कि फ्लैट ओपन हो, ये 1655-60 के ऊपर, 55 पकड़ो, 55 के ऊपर ओपन ना हो, देन फ्लैट ओपन होकर ये 1647-48 को तोड़े, देन आपका 700-800 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम आपको 1:2 टारगेट मिल सकता है, आपका इस रेंज तक भी आ सकता है मार्केट कल, मतलब ये स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है SBIN। SBIN में भी आप फ्लैट ओपन हो, 747 के ऊपर ओपन ना हो, ये फ्लैट ओपन होके देन ये 742 को तोड़े, 742 या 41 को तोड़े, देन आपका टारगेट ये अच्छा खासा मिल सकता, हो सकता है कल ये 730-732 के आसपास भी आ जाए, देन आपका ये 3 से 4 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, देन 1:2 का मिनिमम टारगेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी आपका अगर फ्लैट ओपन होता है 505 के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए, देन फ्लैट ओपन होके ये 501 को तोड़े, 501 को तोड़ते ही आप इसको पोजिशन बना सकते हो, देन आपका 496
6 पहला टारगेट हो जाएगा, देन उसके बाद आपका 490 की तरफ भी जा सकता है, देन आपका 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, देन 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका SBI लाइफ। SBI लाइफ में भी आपको शॉर्ट ही करना है, लेकिन इसको 1545 के ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपन होकर ये 1538 ऐसे को तोड़ें, देन आपका ट्रेड बन जाएगा। इसका ट्रेड भी थोड़ा बड़ा है, कल देखो सेलिंग अगर आता है स्टॉक्स में कुछ तो बड़ा आएगा, लेकिन कल ऑप्शन में इस महीने का एटलीस्ट मत करना, क्योंकि उसमें बुरा फंस सकता हूँ, उल्टा पुल्टा हो सकता है थोड़ा सा आपका, क्योंकि कभी कवर नहीं होता है, कभी बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट करता है स्टॉक के प्रीमियम्स, तो इसलिए आप कल स्टॉक्स में ऑप्शंस या फिर फ्यूचर में ट्रेडिंग ना करो कल के एक्सपायरी के लिए। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में कर सकते हो, डिफरेंट थिंग है, कल के एक्सपायरी के लिए मत करना। देन अगर इसको तोड़े 38 को तोड़े, देन आपका टारगेट हो जाएगा 1525 के आसपास आ सकता है, देन आपका इसमें 7 से 8 रुपये मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, देन 1:2 आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा। तो कल मंथली एक्सपायरी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट आपका जो बैंक निफ्टी स्पेशली बैंक निफ्टी की मूव आ सकता है कल आने से, देन आपका क्या होगा अगर कल कुछ भी, मतलब अब देखना कि सेकंड हाफ में क्या होता है, ठीक है। 12:30 बजे के जिस साइड में ब्रेक करेगा ना, उस साइड में आप एक पोजीशन ले सकते हो, और उस साइड एक हो सकता है एक थोड़ा अच्छा सा मूव आए, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का मूव आ सकता है, और शायद सुबह को अराउंड लाइक 9:15 से आपका 12:30 तक शायद जिगजैग मूवमेंट करे, देन 12:30 के बाद शायद एक आपका डायरेक्शनल मूव में। अगर मार्केट पूरा दिन इस रेंज में रहता है, साइडवेज रहता है, मान लो इस रेंज में रहता है मार्केट, हल्का फुल्का गैप अप होकर ओपन होकर देन रेंज में रहता है, देन जिगजैग करता है, देन अगर सेकंड हाफ में को तोड़ता है ना, तो आपको ये जो 300-400 पॉइंट का जो 500 तक बोला, ये मूव आपको लास्ट के 2 घंटे में मिल जाएगा, तब आपका अच्छा खासा प्रीमियम्स भी गामा ब्लास्ट होगा, तो आपका प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कल ध्यान रखना सेकंड हाफ में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करना, फर्स्ट हाफ में थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आज ये बहुत मूव हो चुका है, तो ये कल फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करने देना, फर्स्ट हाफ कैसा जाता है, देन सेकंड हाफ में मूव पकड़ना। आज भी एकदम ऊपर से टॉप से सेलिंग बना था, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज था, आप मेरे वहाँ पर जाकर देख लेना, कम्युनिटी में पोस्ट किया था मैंने, चार्ट पोस्ट किया, तो आप लोग वहाँ पर एक्टिव रहना, तो वहाँ पर मैंने पोस्ट भी किया था कि आपका इस रेंज, इस मतलब रेंज दिया था मैं, ये वाला रेंज दिया था 430 और 770 का, देन मैं बोला इस रेंज को जहाँ तोड़ेगा वहाँ पर मूव आएगा, देन ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना।